यदि आप अष्ट लक्ष्मी नव निधि कुबेर को प्रसन्न करना चाहते हैं, लक्ष्मी को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये दीपावली भाग्यशाली अवसर हो सकता है आपके लिए। जोधपुर के पंडित शिमाली जी द्वारा निर्मित अष्ट लक्ष्मी नव निधि कुबेर कलश प्राप्त करके आप अष्ट लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस कलश में आपको दीपावली पर स्थापित करने के लिए लक्ष्मी चरण पादुका, दक्षिणावर्त शंख जैसी दिव्य अनेक वस्तुएं मिलेंगी और दीपावली पूजन के लिए पारद लक्ष्मी कुबेर गणेश प्रतिमा, संपूर्ण महालक्ष्मी यंत्र जैसी दिव्य अनेक वस्तुएं मिलेंगी और घर की महिलाओं के पूजन के लिए नाग केशर और पंच धातु की डिब्बी, रक्त गुंजा, गोमती चक्र जैसी दिव्य अनेक वस्तुएं मिलेंगी और घर के मुखिया के लिए स्फटिक श्री यंत्र पेंडल और ब्रेसलेट भी मिलेंगे। ये कलश आप घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 02912621625। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका स्वागत, अभिनंदन हमारे इस चैनल में। आज के एपिसोड का विषय है बुध का उच्च राशि अर्थात कन्या राशि में प्रवेश, जो कि 11 सितंबर से लगा करके 29 सितंबर तक कन्या राशि में रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह में बुध ग्रह को मिथुन और कन्या राशि का स्वामी माना जाता है। बुध बुद्धि के कारक, गंधर्वों के प्रणेता भी माने गए हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, व्यापार और चेतना का कारक ग्रह कहा जाता है। बुध के सुप्रभाव से जातक बुद्धिमान, तार्किक अर्थात आर्ग्यूमेंटल को तर्क प्रधान व्यक्ति, रूप से सशक्त और बोलचाल के मामले में बेहद निपुण होते हैं। इसके अलावा बुध ग्रह सूचना, संचार, अनुसंधान अर्थात रिसर्च का भी कारक होता है। बुध ग्रह कम्युनिकेशन, तर्क शक्ति, व्यापार और वाणिज्य आदि के कारक माने जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया है। ये देखा गया है कि बुध ग्रह के प्रभाव वाले जातक बुद्धिमान और स्वभाव से अधिक बोलने वाले होते हैं। बुध प्रधान जातकों के लिए संसार के ज्ञान से बढ़कर कोई धन नहीं होता है। यह लोग संगीत प्रेमी भी होते हैं और अपनी मधुर वाणी से सबका मन मोह लेने वाले होते हैं। बुध प्रधान जातक आमतौर पर डॉक्टर, वकील, व्यापारी और अर्थशास्त्र आदि अर्थात इकोनॉमिक्स आदि क्षेत्र में अधिक निपुणता रखते हैं, इसलिए अर्थशास्त्र कोई रिलेटेड इकोनॉमिस्ट भी हो सकते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध की स्थिति उच्च होती है, उसे इन सभी उपरोक्त क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में बुध को लाभकारी ग्रह माना जाता है, लेकिन कभी कभी जब क्रूर ग्रहों के संपर्क में आ जाते हैं बुध, तो इसके प्रभाव हानिकारक भी हो सकते हैं। हालांकि इस ग्रह की शांति के लिए बुध के उपाय भी करवाए जा सकते हैं। आप स्वयं भी उपाय कर सकते हैं, आप स्वयं भी दान कर सकते हैं, आप स्वयं भी पूजा पाठ या जाप कर सकते हैं। बुध का गोचर हर राशि में लगभग एक महीने के लिए होता है, लेकिन बहुत बार ग्रह स्थिति ऐसी आ जाती है कि 14 दिन, 18 दिन, 19 दिन या 20 दिन, जैसा कि इस बार है 11 सितंबर से लगा करके 29 सितंबर तक है, अर्थात 19 दिन तक बुध ग्रह उच्च राशि में रहेंगे। तो ये बुध का गोचर अध्ययन का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हिंदू ज्योतिष में बुध ग्रह का सीधा संबंध बुद्धि से, इसलिए इसे बुद्धि और वाणी का कारक कहा गया है। नवग्रहों में बुध को राजकुमार ग्रह की उपाधि दी गई है, अर्थात उसे युवराज कहा गया है। बुध ग्रह सूर्य और शुक्र के साथ में मित्रता रखते हैं, लेकिन चंद्रमा के साथ में इनकी शत्रुता होती है। वहीं बुध अन्य ग्रहों के प्रति तटस्थ रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। भावों और अन्य ग्रहों पर से गुजरता हुआ यह बुध न केवल शक्तिशाली संकेत देता है, बल्कि मानसिक एकाग्रता और प्राथमिकताओं में आए परिवर्तन को भी दर्शाता है। बुध इसके गोचर के दौरान हुए सूचना, संचार, संप्रेषण और अनुसंधान की ओर इशारा भी करता है। कुंडली में बुध की शुभ स्थिति जातक की सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाती है, सम्मान दिलवाती है, और यही बुध जन्म कुंडली या गोचर में पाप प्रभाव में नहीं है तो यह तार्किक बुद्धि और विचारों की स्पष्टता देता है। वक्री बुध के समय हुई घटनाएं आशा के विरुद्ध पलट जाती है, अतः जब जब भी यह ग्रह बुध ग्रह वक्री होगा, तब तब अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आएंगी और प्रॉब्लम अर्थात नेगेटिविटी आएगी।
बुध देव अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी शुभ ग्रह के साथ विराजमान है तो यह आपको शुभ फल देंगे। वहीं अगर किसी क्रूर ग्रह के साथ में युति बना रहे हैं तो इसके प्रभाव भी क्रूर होंगे। जिन जातकों की कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में नहीं होता है उनकी तार्किक क्षमता बहुत अच्छी नहीं होती, अतः मैथमेटिक्स विषयों को समझने में उनको बहुत दिक्कत आती है, स्किन से रिलेटेड उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। बुध ग्रह के बुरे प्रभावों से बचने के लिए बुध ग्रह की शांति के उपाय होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि आपकी राशि से सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सिक्स हाउस, एट्थ हाउस, टेंथ हाउस और इलेवंथ हाउस में जब जब भी गोचर वर्ष गुजरता हुआ बुध आएगा तब शुभ फल देगा, शेष भावों में वह सामान्य या अशुभ फल देने वाला होता है। 11 सितंबर, 11 सितंबर से 29 सितंबर तक बुध का कन्या राशि में गोचर आपको क्या परिणाम देगा, आइए यही जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं मेष राशि से। आपकी राशि से सिक्स्थ हाउस अर्थात छठे भाव में बुध का गोचर शुभ है। इस भाव के द्वारा हम अपने विरोधी, अपने शत्रु, अपनी संघर्ष क्षमता, नौकरी, रोग या बीमारियां, कंपटीशन के एग्जाम, बैंक लोन और अपना ननियाल पक्ष या मामा पक्ष आदि के बारे में जान सकते हैं। सामान्य खुशहाली, आनंद, मानसिक शांति और संतुष्टि आपको इस समय काल में मिलेगी। आर्थिक स्तर में सुधार, साथ ही साथ धन और शानदार शॉपिंग होगी, अर्थात जो भी खरीद फरोख है वो बहुत अच्छे लेवल पे होगी। पारिवारिक जीवन इस गोचर के दौरान आपका तनावपूर्ण हो सकता है। पृथक संपत्ति या किसी प्रॉपर्टी को लेकर के कोई पारिवारिक सदस्यों के बीच में मतभेद की यदि स्थिति है तो और गंभीर हो सकती है, और यदि आज की तारीख में स्थिति नहीं है तो वह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस स्थिति से निपटने के लिए खासतौर से अपनी वाणी पर संयम रखें और शांति से काम लें। अतः जैसा मैं हमेशा कहता आया हूँ कि आपको जब भी कुछ बोलना हो तो ये समझें कि इसका जवाब मैं अभी नहीं देकर के बाद में देता हूँ, तो आपको सोचने का मौका मिल जाएगा और आपके मुंह से जो गलत शब्द निकल सकते हैं, गुस्से में जो निकल सकता है वो नहीं निकल पाएगा। तो आप इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं और अपने अंदर ये ऐसी सिचुएशन डेवलप करें कि आप जब भी ऐसी सिचुएशन आए, गुस्सा आए या वैचारिक मतभेद हो तो अपने आप को शांत रखें। हायर एजुकेशन, संपन्नता, बेहतर स्वामित्व के साथ में अच्छा साहित्य और पुस्तकें पढ़ने का अवसर भी इस समय काल में मिलेगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और जो एनिमीज है, जो शत्रु हैं, उन पर आप विजय प्राप्त कर सकेंगे, उनको आप कंट्रोल कर सकेंगे, उन पर आप हावी हो सकेंगे। अच्छा शारीरिक और मानसिक सुख इस समय काल में प्राप्त हो सकता है। यदि आप विवाहित हैं तो इस गोचर काल के दौरान आपको अपने जीवनसाथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। बुध के गोचर की ये अवधि आपके जीवनसाथी के सेहत के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है। कोई प्रॉब्लम, आप ये समझिए, बड़ी हो सकती है, आप उसको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे और वो प्रॉब्लम सामान्य तौर पर नहीं होकर के कोई बड़ी बीमारी के रूप में सामने आ सकती है। लिहाजा उनका विशेष रूप से ख्याल रखें और उन्हें किसी भी परेशानी से दो चार ना होने दें। जहाँ तक आपके ऑफिस का सवाल है, जहाँ तक आपके वर्किंग एनवायरमेंट का सवाल है, तो इस अवधि में आप अपने ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। इस दौरान आपको अपनी मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। प्रमोशन की या कोई अवार्ड रिवार्ड की, बहुत बड़े प्रोजेक्ट की संभावना नजर आ रही है। सभी लोग आपका मान सम्मान करेंगे। आपकी लोकप्रियता, आपकी उच्च स्तरीय बुद्धिमत्ता, प्रदर्शन से अधिकारियों और आपके जो साथ में काम करने वाले हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनसे संबंध, दूसरों द्वारा निपुणता और दक्षता की प्रसन्नता, ऐसे सब शुभ फल आपको मिलेंगे। अर्थात आपके काम, जो साथ में काम करते हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, वो भी आपकी सराहना करेंगे। अच्छे संगीत का आनंद और अच्छे रिटर्न का, अर्थात लेखन का, यदि आप में कुछ न कुछ लिखने की, कोई ब्लॉग लिखने की, कोई चैप्टर लिखने की, कहानी लिखने की क्षमता है, आप में अगर रुचि है, आपकी हॉबी है, तो ये टाइम पीरियड इसमें आपको सपोर्ट करेगा। अर्थात आपकी लेखनी में स्ट्रेंथ आ जाएगी, दक्षता आ जाएगी और साथ ही साथ यदि आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं या आपको गाने गाने का शौक है, उसमें भी आपको अच्छी प्रसिद्धि मिल सकती है, ख्याति मिल सकती है। बुध के इस गोचर अवधि के दौरान आपके लिए विशेष रूप से ट्रैफिक के नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है, वरना कानूनी पचड़ों में फंस करके वक्त भी बर्बाद हो सकता है, नुकसान हो सकता है। और यों भी इस समय काल में नया कानून आ चुका है, इसलिए आपकी छोटी सी लापरवाही आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। आइए अब बात करते हैं वृष राशि अर्थात सेकेंड राशि टॉरस।
आपकी राशि से फिफ्थ हाउस में गोचर का बुध कुछ शुभ फल नहीं देगा, अर्थात मिश्रित फल देगा, मिला जुला फल देगा। पंचम भाव के द्वारा हम हमारी शिक्षा, संतान, हमारे प्रेम संबंध, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक और हमारी हॉबीज अर्थात रुझान का पता चलता है। इस गोचर के प्रभाव से मानसिक पीड़ा तो होगी, लेकिन आपको बौद्धिक लाभ की प्राप्ति के साथ ही आपकी बुद्धि और ज्ञान में भी बढ़ोतरी होगी। हमेशा ऐसा नहीं है कि बहुत सी चीज़ें सीखने से ही सीखी जाती है, कई बार ठोकर खाने से भी व्यक्ति की बुद्धि में कुछ न कुछ बलवान आ जाता है अर्थात कुछ सीख मिल जाती है। ये समय शायद ऐसा ही होगा। इस दौरान आपकी सामाजिक सक्रियता बढ़ेगी और आप नए लोगों के संपर्क में आएंगे। दुर्भाग्यवश योजनाओं पर किया गया जो मेहनत है, परिश्रम है, वो सफल नहीं होगा। तो हो सकता है उनको पेंडिंग करना पड़े और हो सकता है कुछ योजनाएं, कुछ प्रोजेक्ट्स आपको लिंगर ऑन करने के साथ साथ बंद भी करने पड़ सकते हैं या टाइम के अनुसार उनको साइड में किया जा सकता है। अतः जो इम्पोर्टेंट है उनको आगे लाया जाए और जो कम इम्पोर्टेंट है उनको आपने पीछे की लाइन में रख सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्य स्थगित हो सकते हैं अपने ही कामों के कारण, अर्थात अपने ही एफर्ट के कारण लोगों से दुश्मनी पनपेगी, अर्थात आप जो भी काम करेंगे वो आपके खिलाफ जा सकता है। आप टाइम के खिलाफ जा करके अपनी पूरी एबिलिटी से काम को आगे सरकाने का काम करेंगे, आगे प्रयास करेंगे, लेकिन जो आपके कंपटीटर्स हैं, जो आपके शत्रु हैं, चाहे वो साथ में काम करने वाले ही क्यों ना हो, वो आपको भीतरघात करेंगे, अर्थात अंदर ही अंदर आपको कोई को नुकसान पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। और ये जो राशिफल है, इस राशिफल का उद्देश्य यही है कि जो आपके साथ में हो सकता है उसकी मैं रूपरेखा आपको बताऊं। जो मैंने ये बोला है सब कुछ आपके ऊपर ही घटित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक ही राशि के लगभग 11 करोड़ लोग हैं, तो यह सब कुछ साधारण रूप से आपके ऊपर है। इस राशिफल का उद्देश्य यदि आप अच्छे ढंग से समझ पाएं कि ये एक प्रकार से आपकी गाइडलाइन है, एक प्रकार से रूपरेखा है आने वाले समय की, तो आप इसको दिमाग में रख करके आने वाले खतरों से निपट सकते हैं, आने वाले जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको साइड बाय साइड लाइन कर सकते हैं। निरउद्देश्य योजनाएं, अर्थात बहुत सी योजनाएं होती है जो हम ईगो के लिए स्टार्ट करते हैं या दूसरों को दिखाने के लिए स्टार्ट करते हैं। ऐसी योजनाओं के साथ आप किसी आपदा का अर्थात किसी एक्सीडेंट का, कोई को नेगेटिविटी का सामना कर सकते हैं। अपने पुत्र या अपने जीवन साथी से झगड़ा हो सकता है, अपने पुत्र से संबंध खराब हो सकते हैं, माँ की बीमारी से आपकी चिंता बढ़ेगी, शारीरिक परेशानी, दाग और मुहासे, आलस्य और पौरुष की कमी, ये सब के कारण आप दुखी हो सकते हैं, आप मन से परेशान हो सकते हैं। अब बात करते हैं पद की हानि, इरिटेशन और चिड़चिड़ापन और मानसिक विषाद के साथ में परेशानी रहेगी। आर्थिक स्तर पर अर्थात फाइनेंशियल स्टेटस पर इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि हो सकती है। इतना सब कुछ नेगेटिव होने के बावजूद भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आपकी नहीं रहेगी, अर्थात फाइनेंशियली गेन आपको निरंतर होता रहेगा, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपकी बलवान रहेगी। इसके अलावा इस दौरान आपका रुझान धार्मिक किताबों को पढ़ने में, कोई ना कोई स्टोरी लिखने में, लेखन में और भाषण आदि की तरफ हो सकता है, अर्थात स्पीच की तरफ। ठीक, यदि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यदि आप स्कूल में जाकर कॉलेज में जाकर के कोई को स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, या आपको यूट्यूब का शौक है, ब्लॉगर आप हैं, तो वो भी आपके लिए यह समय में आपको प्रसिद्धि दे सकता है, आपको सक्सेस दे सकता है। आर्थिक स्तर पर लाभ प्राप्त करने के लिए यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करने की सोच रहे हैं तो इससे आपको लाभ मिल सकता है, गेन मिल सकता है, लेकिन अपनी रेंज को पहचान कर ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। इस गोचर काल में आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट विशेष रूप से नई चीज़ों की जानकारी लेने और नया काम सीखने में हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए गोचर की ये अवधि खास तौर से लाभदायक साबित होने वाली है। स्टूडेंट्स का ध्यान इस दौरान मैथमेटिक्स और कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट्स में अधिक लगेगा। लिया जा स्टूडेंट का प्रदर्शन पढ़ाई तौर में या स्टडी है उसमें खास तौर से अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से वो मार्क्स भी लाएंगे और यदि कोई कंपटीशन का एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें भी उनको बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है। आइए अब बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ पर। यदि आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो इस दौरान आपके जीवन साथी को अपने कार्य क्षेत्र में खास उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। चाहे आप हस्बैंड हैं, आपकी बीबी कोई ऑफिस में काम करती है, उनका अपना कैरियर है, और चाहे आप वाइफ हैं और आपके हस्बैंड कोई ना कोई काम करते हैं, तो अपने जीवन साथी को इस समय काल में 11 सितंबर से 29 सितंबर तक कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट प्राप्त हो सकती है। और यदि
वृष राशि के जातक कोई इनको अटैचमेंट में है, प्रेम संबंधों में है, कोई फ्रेंडशिप में है, जिसको आमतौर पर डीप फ्रेंडशिप बोलते हैं, तो इस गोचर अवधि के दौरान आपका प्रेम विवाह होने की संभावनाएं बन सकती है। यदि आप चाहें तो इस दौरान अपने पार्टनर को अपने परिवार वालों से मिलवा सकते हैं और बात आगे बढ़ सकती है। जो मैंने इस राशि के लिए नेगेटिव बताया उसके लिए आपने क्या करना है, अनिष्ट बुध की शांति का सर्वोत्तम उपाय जो है बुध के मंत्र के जाप करें, अर्थात छोटा सा मंत्र है ओम बुम बुधाय नमः, और या फिर एक और मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। बहुत ही अच्छा यदि होगा कि आप नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने। आजकल की जो टेक्नोलॉजी का जमाना है इसमें आप अपने मोबाइल में ही डाउनलोड कर दीजिए और जब आपके पास में टाइम हो आप आराम से सुन सकते हैं और साथ साथ में बोलने का प्रयास करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उसके बाद में तो आप रोजाना इसका पाठ कर सकते हैं और कोई भी मंत्र की वाइब्रेशन से फ़ायदा होता है। जब आप कोई भी मंत्र जाप करें तो इतनी जोर से करना है कि आपके होठ और आपके कान उसको सुन पाएँ, अर्थात होठ से वो वाइब्रेशन निकल पाएँ और आपके कान उसको सुन पाएँ। जोर जोर से मंत्र जाप करके अर्थात पड़ोसियों को सुना करके फ़ायदा नहीं होगा। और इतना भी आपने मध्यम नहीं बोलना है कि आपको ही सुनाई नहीं दे। मंत्र का जाप तभी फायदेमंद है जब आपकी बॉडी उसको वाइब्रेट करे, अर्थात आपको फील हो कि हाँ कहीं कहीं से ध्वनि जो स्ट्रेंथ है तरंगे हैं वो आपको फील हो रही है। आइए बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से फोर्थ हाउस में अर्थात ये जो प्रोग्राम है वो राशि के अनुसार है, मून साइन पर आधारित है। आप में से बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, कमेंट बॉक्स में आते हैं कि ये लग्न पर आधारित है, नक्षत्र पर आधारित है या राशि से है। तो फिर मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि आपकी राशि से अर्थात ये प्रोग्राम मून साइन से रिलेटेड है, मून साइन से आधारित है। जो आपकी राशि कुंडली है वहाँ से आपको ये सब देखना पड़ेगा। तो आपकी राशि से फोर्थ हाउस में गोचर का बुध आने पर शुभ फल प्राप्त होगा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, राशि से सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ और साथ में टेंथ और इलेवंथ जब जब भी बुध होगा तब तब आपको वो गेन देगा, सक्सेस देगा। और यों भी बुध उच्च राशि का है, मोस्ट पॉजिटिव है, तो उसका गेन तो और ज़्यादा ज़बरदस्त मिलेगा। इस भाव के द्वारा अर्थात फोर्थ हाउस से आपके जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधाओं का आकलन करते हैं। माँ का सुख इसी भाव से देखा जाता है, भूमि भवन वाहन का सुख इसी भाव से देखा जाता है। तो बुध का यह गोचर खास तौर से पारिवारिक जीवन के लिए पॉजिटिव रहेगा, सकारात्मक रहेगा। धन की प्राप्ति होगी अर्थात फाइनेंशियल गेन होगा। जातक द्वारा माँ का सम्मान और सेवा पाने से माता जी को खुश मिलेगा, सुख मिलेगा और घरेलू जीवन का सुख भी आपको अच्छा मिलेगा। सारे परिवार का स्नेह अपनत्व प्यार यह सब जैसे आप पर बरसेगा। नया घर आप खरीद सकते हैं इस समय काल में और हो सकता है पुराने घर का ही नए तरीके से निर्माण करें। जमीन जायदाद में इस समय में वृद्धि होगी अर्थात आपकी प्रॉपर्टी में स्ट्रेंथ बढ़ेगी। नए वाहन खरीद सकते हैं या उस वाहन को बेच करके, पुराने वाहन को बेच करके आप नए में स्विच कर सकते हैं। सुखी वैवाहिक जीवन का आनंद आपको मिलता रहेगा। घर में पारिवारिक शांति आपको महसूस होगी और अनएक्सपेक्टेड गेन की भी संभावनाएँ हैं। अर्थात यदि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है आपने प्रीवियस टाइम में, चाहे वो शेयर मार्केट में किया है, चाहे कमोडिटी में किया है, चाहे प्रॉपर्टी में किया है, तो इस समय उससे संबंधित आपको अनएक्सपेक्टेड गेन होने वाली है। और यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं शेयर में, कमोडिटी मार्केट में, स्पेकुलेशन में, तो ये समय आपके लिए गेन का है। अच्छे विद्वानों और जो भद्र पुरुष हैं अर्थात समाज के जो भी आइकन्स हैं, समाज के बहुत बड़े बड़े लोग हैं या उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, उन लोगों से आपकी मित्रता बढ़ेगी, वो आपके सर्कल में आएंगे, जान पहचान बढ़ेगी और इस सिचुएशन से, इस सर्कल से आपको योजनाओं में सफलता, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आपको सक्सेस मिलेगी। जो भी उच्च अधिकारी और विद्वान लोग हैं उनके साथ में आपके स्वाभिमान को बल, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि और समाज में आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, साथ साथ प्रशंसा मिलेगी। यदि आप नई नौकरी की तलाश में है तो आपकी ये इच्छा पूरी होने वाली है। मानसिक शांति और एजुकेशन में सक्सेस प्राप्त होगी। अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की। बहुत ज़्यादा लोग ये पूछते हैं कि मैं अपने प्रेम जीवन में, मैं अपने रोमांस में सक्सेस हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, तो इसके लिए मैं बीच में थोड़ा सा एपिसोड को रोक करके आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक आपकी कुंडली मेरे पास में नहीं आएगी तब तक मैं सिर्फ अंदाजे के रूप में कुछ भी नहीं बता पाऊँगा।
आप अपनी कुंडली मेरे ऑफिस में टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए भेजिए, या फिर जो भी आपको डिटेल में क्वेश्चंस का जवाब चाहिए वो मैं लिख करके आप तक भेज सकता हूँ। उसके लिए आपने एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, अपनी पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, उसके बाद में आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनका सिलसिलेवार मैं आपको आंसर दे पाऊँगा, साथ साथ में जो उपाय होंगे, क्या रत्न पहनना चाहिए, क्या दान देना चाहिए, क्या पूजा करनी चाहिए, जितने भी उपाय हो सकते हैं, जो भी विश्लेषण हो सकता है वो विस्तार से आप तक पहुंचेगा। लेकिन उसके लिए आपने प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। आपने सिर्फ एक सेंटेंस में अपना क्वेश्चन लिख करके छोड़ देते हैं, उससे जवाब नहीं दिया जा सकता। आपके जवाब देने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ और आपका प्लेस ऑफ बर्थ, ये तीनों जानकारी जरूरी है, और साथ में आपके क्वेश्चंस जरूरी है, तभी जवाब दिया जा सकता है। तो थोड़ा सा धैर्य से, समझदारी से उस प्रोसीजर को फॉलो करने का प्रयास कीजिए। फ़ोन नंबर मैं हमेशा मैं जो प्रोग्राम की स्ट्रिप है उसमें भी आते हैं, और एंड में प्लेट में एड्रेस भी आता है, फ़ोन नंबर भी साथ में आएंगे, ईमेल एड्रेस भी आएगा। जिस भी माध्यम से आप संपर्क करना चाहते हैं आप संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। तो जो भी आपके रोमांटिक जीवन है उसमें कुछ मतभेदों का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन आपके प्यार, स्नेह, अपनत्व में कोई कमी नहीं आएगी। अतः ये आप एश्योर हो सकते हैं कि आपकी जो भी रिलेशनशिप है वो खतरे में नहीं है। हो सकता है कुछ कासुनी हो जाए, अनबन हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, लेकिन होना ही चाहिए, क्योंकि आपने कभी देखा होगा ईसीजी का ग्राफ, वो ईसीजी का ग्राफ में सीधी लाइन चलती है, इसका मतलब आदमी मर गया है, डेड हो गया है। जब तक वो ग्राफ अप्स एंड डाउन्स होता है, इसका मतलब वो जीवित है। तो जीवन में भी हम जब तक जिंदा हैं जब तक तो अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे, और अप्स एंड डाउन से आने से घबराना कैसा, चुनौतियाँ हैं, चुनौतियों का सामना करने से ही व्यक्ति बुद्धिमान बनता है, व्यक्ति समझदार बनता है, व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए आप घबराएं नहीं, आपका जीवन सुरक्षित है, और आपका प्रेम जीवन, आपका प्रेमी आपसे कहीं भी अनसुना नहीं कर रहा है, नेगेटिव अंदाज में नहीं है। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से थर्ड हाउस में गोचर का बुध प्रवेश होने जा रहा है। इस भाव से हम अपने भाई बहनों को, उनके साथ हमारे संबंधों को, ये सब देख सकते हैं थर्ड हाउस से। हमारे परिश्रम अर्थात हमारी मेहनत, हमारा इंटरेस्ट, हमारी हॉबी, रुचि, भाई बहन तथा छोटी दूरी की यात्राएं अर्थात शॉर्ट डिस्टेंस की जो भी ट्रैवलिंग होती है वो इस भाव से देखी जाती है। व्यक्ति को ऐसे समय में भयभीत होकर के रहना पड़ता है, उसके साहस में, उसकी स्ट्रेंथ में, उसके कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है, और जातक भय के कारण इधर इधर भागता फिरता है, छुपता फिरता है। बंधुजनों से, अपने परिवारजनों से उसका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और ऐसे ही समय में इन लड़ाई झगड़ों के कारण भी धन की हानि हो सकती है, अर्थात वेस्टेज ऑफ मनी हो सकती है, पैसा फालतू खर्च हो सकता है, सामान की चोरी, संपत्ति का नुकसान और बहुत सी तरह की विपत्तियों का सामना, मुश्किलें, दुर्दशा, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई डर, कोई पेनल्टी, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड फाइन, या कोई न कोई यदि कोर्ट केस चल रहे हैं तो उसके लिए आपके वारंट, ये सब कुछ ऐसे समय में हो सकता है। जो संबंधी है उनसे शत्रुता, साथ साथ में याददाश्त में कमी हो जाएगी, मेंटली बहुत अपसेट हो जाएंगे, और गवर्नमेंट के अधिकारियों द्वारा आपको परेशान होना पड़ेगा। बुध का ये गोचर आपके पारिवारिक जीवन के लिए नेगेटिव प्रभाव ला सकता है। इस दौरान आपकी माताजी की सेहत में गिरावट होने से आपका मन चिंतित रहेगा। बहरहाल उनका आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। आपके भाई बहनों के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए ये गोचर का लाभकारी साबित होगा। उनके किसी कार्य में भी आप अपना सहयोग दे सकते हैं, उनका सपोर्ट कर सकते हैं। यह समय नेगेटिविटी का है, उसके बावजूद भी यह समय कहीं न कहीं नए नए मित्रों की प्राप्ति भी कराएगा। और यदि आप विवाहित हैं तो बुध के इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन साथी की सामाजिक रूप से तरक्की हो सकती है, सोशली वो गेन कर सकती है, उनका नाम हो सकता है, उनके मान सम्मान में वृद्धि होने से इसका लाभ आपको भी प्राप्त होगा। अर्थात जो आपकी मुसीबतें हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे भी आपको राहत प्राप्त होगी, सपोर्ट आपको मिल पाएगा। जो आपका काम है, जो आपका कैरियर है, उसमें आपको काफ़ी सावधानी से काम लेना चाहिए, क्योंकि बुध है राशि स्वामी, वो चंद्रमा का शत्रु है। अतः इस समय काल के दौरान आपके काम करने की क्षमता में कमी होना संभव है। ऑफिस में लोग सहयोग नहीं करेंगे, आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। इस गोचर के दौरान आपकी भाषा शैली को नियंत्रित रखने की जरूरत पड़ेगी, जिसका लाभ आपको जीवन के हर क्षेत्र में मिल सकता है। किसी ट्रिप पर जाने का प्लान बना सकते हैं, जो कि बहुत रोमांटिक हो सकती है। अब बात करते हैं जो मैंने नेगेटिव बतलाया कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि कर्क राशि का शत्रु अर्थात चंद्रमा का शत्रु बुध होता है, और बुध वहां पर उच्च राशि में है।
तो आपने बुध की जो भी नेगेटिविटी है पीड़ा के लिए एक काम करना है, ये कुछ 5-6-7 सामग्रियां हैं उनको आप लिख लीजिए और उनको इक्वल करना है, अर्थात उनको मिक्स करना है, उसको कहीं कहीं से इकट्ठे करना है पानी में डाल करके, उससे 7 बुधवार तक आपने उन सब सामग्रियों के जो भी तत्व है उनसे स्नान करना है। वो सामग्रियां क्या है? हरड़ है, गोमय है, चावल, गोरोचन, सोना, आंवला और शहद, ये 7 वस्तुएं हैं। इन 7 वस्तुओं को एक साथ मिला देना है, फिर उनको पानी में डालना है, 7 बार ऐसा करना है। इसका मतलब ये है कि यदि कुछ सोना डालते हैं तो आपने वापस निकाल के अपने पास में रख देना है, अगली बार जब आप स्नान करें नेक्स्ट डे फिर वापस डालना है, फिर निकाल देना है, ताकि आपकी जो वैल्यूबल थिंग्स है उसकी रक्षा हो सके। तो 7 दिन तक आपने ये रेगुलर चीज़, ये प्रोसेस अपनाना है, इससे बुध की शांति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यताएँ कहती है। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपकी राशि से सेकंड हाउस में गोचर का बुध बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्रदान करेगा। यह भाव हमारी वाणी का भाव कहा गया है। इस भाव के द्वारा हमारा खानदान, हमारी एसेट संचित धन, हमारा मुंह, हमारा भोजन और हमारी प्राइमरी एजुकेशन के बीच जो प्राइमरी एजुकेशन के बारे में जाना जा सकता है। बुध के इस गोचर से आनंद की वृद्धि होगी, अर्थात हैप्पीनेस में इंप्रूवमेंट आएगी, धन और स्वास्थ्य, साथ में खुशहाली, शैक्षिक कार्य अर्थात एजुकेशनल जो भी काम होंगे उनमें सक्सेस मिलेगी, स्पिरिचुअल और मेंटेलिटी में आपको और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी और इन मामलों में उचित विचार, उचित व्यवहार और व्यापार का विस्तार, विश्वसनीय मित्रता और नई योजनाओं में सफलता मिलेगी। अतः जो भी लोग बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जो नए नए प्रोजेक्ट पर काम करते हैं उन लोगों के लिए भी टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, और जो पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। जो लोग म्यूज़िक इंडस्ट्री से रिलेटेड काम कर रहे हैं, म्यूज़िक कंपोज़र करने का काम करते हैं, म्यूज़िक बनाने का काम करते हैं, म्यूज़िक कंपनी का काम करते हैं, बुध म्यूज़िक का ही लॉर्ड होता है, और बुध आपकी राशि से सेकंड हाउस में आने से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्थिति आ सकती है, आपका मार्जिन बहुत गेन वाला बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, आपने इस टाइम पीरियड का फ़ायदा उठाना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेज पर देखें तो इस गोचर की अवधि में आपको अपने भाई बहनों से आर्थिक लाभ मिल सकता है, सगे संबंधियों से धन की प्राप्ति हो सकता है, और साथ ही साथ धन आभूषणों की प्राप्ति भी हो सकती है। अपनी स्पीकिंग पावर, भाषण शक्ति से मनुष्य बहुत अच्छा धन प्राप्त कर सकता है। इस दौरान किसी अनजान स्रोत से, कोई अनजान अर्थात अनडिफाइंड रिसोर्सेज से आपको पैसा प्राप्त हो सकता है, अर्थात जो आपने सोचा नहीं हो, कभी आपने उसके बारे में थिंकिंग भी ना की हो तो भी उससे गेन हो सकता है। व्यापार में और साथ साथ में फॉरेन रिसोर्सेज से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। जो भी लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, फॉरेन से रिलेटेड कंपनीज में काम करते हैं, फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ में काम करते हैं, उनके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, गेन हो सकता है। चाहे कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में हो, चाहे आप सिर्फ मीडिएटर हो, तब भी फायदेमंद स्थिति है। अब बात करते हैं एजुकेशन की। शिक्षा में उन्नति होगी। जहाँ तक आपके ऑफिस की बात है तो यह अवधि आपको अपने ऑफिस पर सक्सेस दिला सकती है। जो भी आपका कैरियर है वहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वहाँ पे आपका प्रभाव बढ़ेगा। इस दौरान आपके हाथ में जो भी काम होगा उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। यदि आप विवाहित हैं तो इस गोचर काल के दौरान, इस समय काल के दौरान अर्थात 11 सितंबर से 29 सितंबर तक वैवाहिक जीवन में रोमांस के पल आपको अधिक मिलेंगे। जो विवाहित होते हुए भी अपने कामकाज को लेकर के जीवन साथी से, परिवार से दूर रहते हैं, उन्हें मिलने का अवसर प्राप्त होगा। जो अभी सिर्फ मित्रता के बंधन में हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से, वे भी भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं, अच्छे पल बिता सकते हैं, उनका एडजस्टमेंट बढ़ेगा, सामंजस्य बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ पाएगी। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि की, जहाँ पर कि बुध स्वयं विराजमान है उच्च राशि के होकर के। आपकी राशि से फर्स्ट हाउस में गोचर का बुध प्रवेश होने से शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि राशि से फर्स्ट हाउस में बुध बहुत ज़्यादा गेन नहीं देता है, इसमें आप मिक्स रिजल्ट मान सकते हैं। इस भाव के द्वारा अर्थात फर्स्ट हाउस से हमारा शरीर, शारीरिक रंग रूप, हमारी बनावट, समाज में हमारा स्थान, हमारा चेहरा, हमारा दिमाग, हमारा मान सम्मान और हमारी हेल्थ को लेकर के देखा जाता है। बुध के इस गोचर काल के दौरान आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है। फिजिकली आप एसिडिटी और
जो नर्वस स्ट्रेंथ में वीकनेस है उसका शिकार बन सकते हैं, शरीर में जलने से भी पीड़ित हो सकती है, अतः किसी चीज़ से जलना हो सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा अवेयर रहिएगा, बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा। और जो छोटे बच्चे हैं इस राशि के, कन्या राशि के, उनके लिए तो उनके पेरेंट्स के लिए चेतावनी है कि उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर नज़र रखें, ताकि वो कोई भी ज्वलनशील जो पदार्थ है या कुछ भी आग है, चाहे गैस स्टोव है चाहे प्रेस है, उसके आसपास न जाएं। आप लोगों के कर्तव्य है उनका ध्यान रखें। भ्रष्ट लोगों द्वारा जातक की संपत्ति छीनने का, धन हानि होने का योग है इस समय काल में, लेकिन इसी गोचर काल के दौरान आपको कोई फॉरेन रिसोर्सेज से बहुत अनएक्सपेक्टेड गेन, बहुत ज़बरदस्त लाभ आपकी एज्यूम से और ज़्यादा या कई गुना मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। बहुत से लोगों का चुगलखोरी में, अगर एक दूसरे की गलतियां बताने में, जिसको आमतौर पर चुगलखोरी बोलते हैं, उसमें समय व्यतीत होता है, व्यतीत होगा। जातक अप्रिय शब्दों का प्रयोग करेगा, छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों के कारण उसको फाइनेंशियल लॉसेज भी हो सकते हैं, कि बहुत से लोगों को अर्थात कहीं कहीं पुलिस केस, मुकदमेबाजी या कस्टडी में जाने का भय भी रहता है। लोग आपका आदर सत्कार नहीं करेंगे, संबंधियों से हानि या संबंधियों से शत्रुता हो सकती है, हर जगह बेइज्जती हो सकती है, इसलिए जो टाइम पीरियड नेगेटिव है उसका आपने खुद ने अपना ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ तक हो सके उलझने से बचिए, कोई भी चीज़ में नेगेटिव जहाँ पे एनवायरनमेंट हो वहाँ से उठ करके चले जाइए। मन में घबराहट, व्यग्रता, मन की अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी, विचारों में परिवर्तन अथवा वेवरिंग थॉट, सब तरफ से परेशानी होने लगती है ऐसे ही समय में, अर्थात बुध जब राशि से फर्स्ट हाउस में आता है, इस समय यह सब कुछ होता है। आप अपने जीवन साथी के साथ में किसी न किसी बात पर मतभेद कर बैठेंगे, इसके साथ ही साथ बात करें अपने रोमांटिक जीवन की, प्रेम जीवन की, तो अपने माता पिता से अपने पार्टनर को मिलवाने से बचना चाहिए, अर्थात आपने जो इंट्रोड्यूस कराना है कि मैं इससे प्यार करता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ, वो समय अभी सही नहीं है। एजुकेशन में व्यवधान रहेगा, साथ ही साथ नौकरी पेशा लोगों के लिए गोचर का ये समय लाभदायक हो सकता है, लाभदायक होने वाला है, थोड़ा सा उनको वेट करना पड़ेगा। अब जो नेगेटिव मैंने बतलाया उसके लिए उपाय क्या करेंगे कि आपने नित्य शालिग्राम भगवान का पूजन करना है और उन पर तुलसी पत्र चढ़ाना है। शालिग्राम जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है वो तुलसी है, जो तुलसी पत्र है आपने उनको चढ़ाना है और साथ ही साथ उसी तुलसी पत्र का आपने सेवन करना है प्रसाद के रूप में। और यदि हो सके तो गणपति मंत्र का जाप करें, गणपति जी का विशेष मंत्र है ओम गंग गणपते नमः। आइए अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से ट्वेल्थ हाउस में गोचर का बुध प्रवेश करेगा, यह भाव हमारा हानि अर्थात व्यय का भाव कहलाता है। पारिवारिक अशांति, धन की हानि, मेंटली टेंशन, दिमाग में चिंताएँ, परेशानी और उदासी जैसे दुष्परिणाम ट्वेल्थ हाउस से देखे जाते हैं। इस गोचर का हानिकारक प्रभाव आपकी सेहत पर भी पड़ेगा, अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना है, बाहर का खाना या जो कुछ भी जंक फूड है वो ग्रहण ना करें। ऐसे ही समय में कुछ लोगों को लकवा, जोड़ों का दर्द, पाँव में चोट, जो नर्वस सिस्टम है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है, ये टाइम पीरियड ऐसा है, इसलिए अवेयर रहना पड़ेगा या इस चीज़ को आप समझ करके उस चीज़ की प्लानिंग कर सकते हैं, मेंटली रेडी हो सकते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। मित्रों और रिश्तेदारों द्वारा लिए गए उधार वापस मांगने पर आपकी बेइज्जती, अपमान या विवाद होने की संभावनाएं बलवान है, इसलिए जो कुछ भी आपने लोन लिया उसको रीपेमेंट करने की तैयारी कीजिए, ताकि कोई भी ऐसी स्थिति आने से इंसल्ट ना हो। गुप्त शत्रुओं द्वारा गंभीर विपत्ति की संभावना रहेगी, वहीं कोई गलत गवाही देने के कारण भी आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है या आपको कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई न कोई दंडित होना पड़ सकता है, पेनल्टी लग सकती है। व्यापार आरंभ करने के लिए आपको लोन अरेंज करना मुश्किल होगा, जो जातक पहले से ही व्यापार में हैं उन्हें नुकसान होना संभव है। धन संबंधी परेशानियों के साथ साथ मानसिक विवाद, मानसिक विषाद अथवा डिप्रेशन होना भी संभव है। जीवन के हर क्षेत्र में रुकावट, सरकारी कार्यालय और आर्थिक संगठनों से मनमुटाव हो सकता है। फाइनेंस जो भी इंस्टीट्यूशंस होंगे उनसे रिलेटेड कोई ना कोई आपका वैर विरोध हो सकता है, प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, जो भी आपका कैरियर हाउस है, जो कुछ भी आपका काम धंधा है, उसमें होने वाली कोई भी घटना इस समय आपको मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। हालाँकि आपके ऑफिस में जो भी चुनौतियाँ आएंगी, जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, आप उनका अपनी सूझबूझ से, अपनी अकलमंदी से सामना करने में सफल रहेंगे।
यदि आप विवाहित हैं तो इस गोचर काल के दौरान आप अपने जीवन साथी को वैवाहिक जीवन में कला तथा उनकी सेहत को लेकर भी परेशान रह सकते हैं। अर्थात आपका समय जब नेगेटिव चल रहा है तो आप हर तरफ से परेशान होंगे। आपको इस अवधि में अपने और अपने जीवन साथी की सेहत का खास तौर से ध्यान रखने की सलाह दे रहा हूँ। पत्नी, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ में गलतफहमी हो सकती है। इस गोचर काल के दौरान आपको विशेष रूप से विदेश यात्रा का लाभ प्राप्त हो सकता है। अर्थात सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। जब इतना सब कुछ नेगेटिव है तो एक चीज़ अच्छी है आपके लिए कि यदि फॉरेन ट्रिप आपकी है वो आपकी सक्सेसफुल रहेगी। आपके लिए बुध का यह गोचर अवधि कम फलदायी रहेगी, लेकिन उपाय करके आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। उपाय क्या करें, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत बेटर है, बहुत शुभ है। आइए बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि के लिए। आपकी राशि से 11th हाउस में गोचर का बुध सर्वश्रेष्ठ शुभ फल प्रदान करेगा। अतः राशि से 11th कोई भी प्लेनेट हो, चाहे वो राहु केतु हो चाहे शनि हो, सबसे अच्छा फल देता है। एकादश भाव 11th हाउस वृद्धि का स्थान है। जो कुछ भी आपके पास में वो इम्प्रूवमेंट होने का, एनहांस होने का, स्ट्रेंथ देने का ये भाव है। अतः जो कुछ भी आपके पास में इनकम है तो इनकम में वृद्धि हो सकती है, आपके पुण्य में वृद्धि हो सकती है, आपके नेम फेम में वृद्धि हो सकती है, आपकी हेल्थ में वृद्धि हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी में वृद्धि हो सकती है। इस भाव के द्वारा हम आपके बड़े भाई, जो भी आपके बड़े जो अधिकारी हैं, जो भी आपकी एम्बिशंस हैं, उन सब के रिसोर्सेज का पता लगा सकते हैं 11th हाउस से। बुध के इस गोचर से अर्थात 11 सितंबर से 29 सितंबर तक आपको अच्छी सेहत, शारीरिक सुविधाएं, आराम और पारिवारिक सदस्यों और मित्रों के साथ में अच्छे संबंध, पारिवारिक जीवन में खुशी, आनंद और इन सब में वृद्धि होगी। अतः स्नेह अपनत्व आपको मिलेगा। इस गोचर अवधि के दौरान आप सामाजिक रूप से काफ़ी सक्रिय रहेंगे, नए दोस्त बनाने में, नए मित्र बनाने में भी सक्सेसफुल होंगे, सफल होंगे। अपनी भाषा शैली की वजह से आप दूसरों पर अपना प्रभाव डालने में, प्रभाव देने में सक्षम होंगे, सफल होंगे। आपके करीबी आपकी बातों से खास तौर से प्रभावित होंगे और आपके बताए रास्ते पर भी चलेंगे, आपका अनुसरण भी करेंगे। सुखी वैवाहिक जीवन, संतान प्राप्ति की संभावना भी है। अतः जो अविवाहित हैं उनका, उन लोगों का, उन जातकों का विवाह हो सकता है, और जो विवाहित हैं यदि वो संतान के बारे में सोच रहे हैं, अपनी अपनी लाइफ में संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये समय उनके लिए शुभ है। और साथ ही साथ जो पॉजिटिव काम है उनमें आपकी प्रगति बढ़ेगी। ऑफिस की बात करें तो इस समय आपके ऑफिस में कुछ चुनौतियों का सामना आपको जरूर करना पड़ेगा, लेकिन अपनी समझबूझ, अपनी लगन, अपना मेहनत इस स्थिति से निकल पाने में आप सक्षम रहेंगे, सफल रहेंगे, कामयाब हो जाएंगे। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके लिए बुध के गोचर की अवधि बहुत ही अच्छी है, विशेष रूप से फलदायी साबित हो सकती है। और विशेष रूप से यदि आप ऑटोमोबाइल सेक्टर या कपड़े के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, या म्यूजिक इंडस्ट्री, टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो ये आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ समय। यदि आप किसी मीडिया चैनल या संचार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो बुध के इस गोचर का समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। जिस सक्सेस की, जिस विजय की इच्छा आपको काफ़ी समय से है, इस गोचर के दौरान आप उस विजय को पाने में सफल रहेंगे, सक्सेसफुल रहेंगे। इस गोचर काल के दौरान आपकी आय में वृद्धि होगी और किसी गुप्त स्त्रोत्र, सीक्रेट रिसोर्सेज से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। फाइनेंशियल स्टेटस पर देखें तो इस दौरान आपकी अपनी सूझबूझ और बौद्धिक कौशल, जो भी आपका दिमाग है, जो भी आपकी समझबूझ है, जो आपकी प्लानिंग है, इसके आधार पर आप गेन प्राप्त करेंगे। विपरीत लिंगियों अर्थात अपोजिट सेक्स के साथ में नए संबंध बनाने, खुशी, विनोद प्रियता अर्थात हंसी मजाक और खुशहाल जीवन आपको प्राप्त हो सकता है। सब मिलाकर के देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये समय बहुत ही शुभ है, गेन वाला है, सक्सेस वाला है, बहुत ही अच्छा फलदायी है। आपको इस समय का फायदा उठाना चाहिए। आइए बात करते हैं धनुराशि की। बुध आपकी राशि से 10th हाउस में गोचरवश आना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। 10th हाउस को कर्म भाव भी कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा आपका प्रोफेशन, आपका कर्म, आपका काम, जो कुछ भी आप दैनिक आमदनी के लिए, अपने जीवन यापन के लिए करेंगे, वो सब कुछ इसी भाव से निर्धारित होता है। इस भाव से पिता के सुख के बारे में अर्थात उनके साथ में जो रिश्ते हैं उनको भी जाना जाता है। बुध के इस गोचर से आपको किसी नए पद की प्राप्ति हो सकती है, कोई नई पोस्ट मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है, व्यापार में उन्नति और धन का लाभ होगा। मानसिक और पारिवारिक सुख शांति के साथ साथ में बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा ग्रह सुख भी आपको प्राप्त होने वाला है। आपकी लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट आने वाला है, सुधार आने वाला है। अतः जो आपका स्टेटस है वो इम्प्रूव होगा।
एजुकेशन के सब्जेक्ट की अगर बात करें तो शिक्षा में गणित से संबंधित विषयों में आपको दक्षता हासिल होगी, जो लोग मैथमेटिक्स के अंदर है, जो लोग इंजीनियरिंग के अंदर अभी पढ़ रहे हैं या कोई ना कोई कोर्स कर रहे हैं, वो लोग इस समय काल में बहुत अच्छा सक्सेस पाएंगे। अर्थशास्त्र के विद्यार्थी अथवा जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं, जो ऑनर्स में सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेकर के पढ़ रहे हैं अर्थात MBA इन फाइनेंस कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल सब्जेक्ट में रिसर्च कर रहे हैं, या कोई ना कोई ऐसे लोग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की पढ़ाई कर रहे हैं, शेयर मार्केट से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस प्राप्त होने वाली है। आप लोगों को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी तो साथ ही साथ शत्रुओं की पराजय का सुख भी मिलेगा। जी हाँ, शत्रु जब पराजय हो जाते हैं अथवा शत्रु जब हार जाते हैं उससे बड़ा सुख कोई नहीं हो सकता, चाहे वो शत्रु रोग हो, चाहे वो ग्रह परिस्थिति हो, चाहे वो अपने खुद के ही लोग आपके शत्रु हो, जब वो हार जाएं, क्योंकि शत्रुता नहीं हो जब तक तो वो आपके अपने हैं, शत्रु हो जाने पर वही लोग आपसे पराय हो जाते हैं, तो शत्रुओं की पराजय का आपको सुख मिलेगा। शत्रुओं से भी धन लाभ हो सकता है, उनकी संपत्ति का लाभ मिल सकता है, अर्थात कोई कोर्ट कचहरी ऐसी है जिसको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ है, जहाँ पर उन्होंने प्रॉपर्टी को हड़पी हुई है, या आपका कोई सामान उनके पास में है, या उन्होंने आपसे पैसा लिया हुआ है, किसी भी ढंग से आप जीत करके उनकी संपत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात कोर्ट से वो आपको संपत्ति मिल सकती है, अर्थात आपको उसकी कस्टडी मिल सकती है। आप जो भी अपने कोर्ट केस हैं वो जीत सकते हैं, किसी संपत्ति पर आपको अधिकार भी प्राप्त हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। सुंदर विपरीत लिंगी, अतः जो लोग भी अपोजिट सेक्स के प्रति घूमना फिरना, उनके पैसे से मनोरंजन या शॉपिंग का लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। अब ये बात उल्टी है लेकिन ये सच है। आप अपने काम में सुधार करने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ नए नए जो प्रोजेक्ट है, नई नई जो प्लानिंग है, उसको स्टार्ट करने का ये सबसे ज़्यादा शुभ समय है। आगे बढ़ने की योग्यता और जो मैनेजमेंट स्टाइल है उसमें सुधार करने जैसे अच्छे फल आपको मिलेंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और साथ ही साथ आपको मन चाही जो आपकी डिजायर सक्सेस है वो भी आपको मिलेगी। आपके द्वारा जनहित के कार्य, समाज के जो भी कल्याण के कार्य हैं, वो भी आप हो सकता है इस समय काल में करें, या आपका रुझान बढ़ जाएगा, उससे आपको प्रशंसा मिलेगी, उससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। साथ ही साथ आध्यात्मिक कार्यों के साथ ही धार्मिक स्थानों में सेवा की प्रवृत्ति भी आप में पनपेगी। हो सकता है ऐसे ही समय काल में आप कोई ना कोई सोशल हेल्प करें या धार्मिक जो यात्राएं होती है उनमें अपना समय दें। ऐसे ही समय में अर्थात इसी गोचर काल में जो 11 सितंबर से 29 सितंबर तक बुध उच्च राशि का है, उसमें आपको किसी धार्मिक यात्रा पर अपने परिवार के साथ जाने का मौका मिल सकता है, अवसर मिल सकता है। आपके पिता के स्वास्थ्य में हो सकता है कुछ गिरावट हो, उससे आपका मन अशांत रहेगा, लेकिन यदि आपने उनका विशेष ख्याल रखा तो सुधार भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसी कोई हानि होने का योग नहीं है। धनु राशि के जातकों के लिए बुध की ये स्थिति विशेष रूप से बहुत ही ज़्यादा शुभ है, बहुत ही ज़्यादा गेन वाली है, विशेष फलदायी साबित होगी। आइए अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लोगों को आपकी राशि से 9th हाउस में बुध का प्रवेश होगा, जो कि नेगेटिव है या ये बोल सकते हैं मिक्स रिजल्ट देगा। इस भाव के द्वारा आता 9th हाउस से धार्मिक मान्यताएँ, बहुत लंबी लंबी यात्राएँ या धार्मिक यात्राएँ, साथ साथ में तीर्थाटन, गुरु और गुरुतुल्य जो लोग हैं समाज में उनका मान सम्मान, इन सब के बारे में जाना जाता है 9th हाउस से। इस गोचर के बुध के इस गोचर से खेद, पीड़ा, हर काम में बाधा, विघ्न, ये सब कुछ आपको देखने को आएंगे अथवा देखने को मिलेंगे। धन और मान सम्मान की भी इस समय कमी हो सकती है या हानि हो सकती है। संबंधियों या भाइयों से वैमनस्य रह सकता है, कोई ना कोई बात में मनमुटाव हो सकता है। इस समय काल में लेखन अतः जो भी राइटिंग करते हैं, मीडिया वर्क, हायर एजुकेशन में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हो सकता है। स्वास्थ्य में, हेल्थ में आपको स्किन डिजीज, एसिडिटी या पित्त, अस्थिरता, शारीरिक शक्ति में कमी और थकावट या बेचैनी ज़्यादा रखने से, ज़्यादा रहने से आप परेशान हो सकते हैं। आपकी शादीशुदा लाइफ में यदि आप विवाहित हैं तो इस गोचर के दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ में हर क्षेत्र का सहयोग आपको देखने को मिलेगा, अर्थात आपको सपोर्ट हर क्षेत्र में मिलेगा। धर्म की बातों में आप विवाद करते नजर आएंगे या धर्म में कमियां ढूंढते नजर आएंगे। धार्मिक ग्रंथों का आप खंडन कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ है, कमी है, क्योंकि यदि आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो उसका अपमान करने का आपको अधिकार नहीं है।
धर्म को हमने नहीं बनाया है, ग्रंथों को हमने नहीं बनाया है, सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे हैं और बहुत सी चीज़ों का हमने सिर्फ और सिर्फ पालन ही करना होता है। माँ बाप का हमेशा आज्ञा माननी चाहिए, इसके लिए कोई कॉपी किताब में लिखा हो या कोई समझाए ये ज़रूरी नहीं, ये हमारी परंपरा है जिसको खंडन नहीं करना है, ये बात आप ध्यान रखिए। जो काफ़ी समय से बेरोजगार हैं अर्थात जिनको नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए बहुत परेशान है, ऐसे समय उनको नौकरी मिल सकती है, अर्थात ये आपके लिए बहुत ही अच्छी सूचना है, ये आपके लिए खुशखबरी है कि नौकरी आपको मिलने वाली है। सबसे बड़ी चीज़ है काम। यदि कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा, पैसा नहीं कमाएगा, तो उसकी वैल्यू भी नहीं है। व्यवसाय में व्यवधान, प्रतिष्ठा, इज्जत की हानि, झूठे इल्जामों का सामना, बेकार का जो भी नॉन प्रोडक्टिव एफर्ट्स हैं अर्थात जो बेकार की जो गतिविधियाँ हैं उसमें व्यस्त रहेंगे, जो भी आपकी प्लानिंग्स है, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बहुत अधिक मेहनत और प्रयास करने के बावजूद भी आपको अनसक्सेस मिल सकती है अर्थात असफलता मिल सकती है। दूसरों द्वारा धोखा मिलना जैसी स्थितियाँ इस समय काल में हो सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा। जहाँ तक हो सके विश्वास बहुत कम करिए और अंधविश्वास तो बिल्कुल मत करिए। बेकार की यात्राएं हो सकती है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है वो यात्राएं आप हो सकती है और उस यात्रा में भी असुविधा या हानि हो सकती है, लॉस हो सकता है। अब जो नेगेटिव चीज़ बताइए उसके लिए उपाय क्या करें कि आपने हरे साबुत, हरे मूंग, हरे फल, हरी वस्तुओं का हर बुधवार को दान देना सही है और जहाँ तक हो सके आपने गणपति जी का स्तोत्र का पाठ करना है और उससे भी अच्छा रहेगा आप अष्टविनायक कवच धारण करें, हर बुधवार को जहाँ तक हो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, ये सब आपको राहत देंगे, ये उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेंगे। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। बुध का आपकी राशि से 8th हाउस में गोचर होगा। 8th हाउस को वैदिक ज्योतिष में काफ़ी रहस्यमय माना गया है। इसके द्वारा जीवन में आने वाले बड़े बदलाव, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, सिक्स सेंस, इंट्यूशन पावर, जीवन का संघर्ष और रुकावटें, अनएक्सपेक्टेड गेन और अनएक्सपेक्टेड लॉसेज, ससुराल पक्ष, इन सब के बारे में जाना जाता है। इस गोचर में अर्थात 11 सितंबर से 29 सितंबर तक नए घर की प्राप्ति या उत्तराधिकार में संपत्ति का लाभ आपको मिल सकता है। जिन लोगों के जो भी पृथक संपत्ति है, पेरेंटल हाउस का मामला है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का मामला है, बंटवारे का मामला है, उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो सॉल्व होने वाली है। और यदि आप कोई फ्लैट के लिए, प्रॉपर्टी के लिए बहुत टाइम से परेशान थे और सही प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी, यह सही समय आ चुका है, आपको अपने सपनों का घर मिलने वाला है, जैसा आप सोचते थे वो आपको मिलने वाला है, ये समय आपको सपोर्ट करता है। धन का लाभ तथा पुत्र की उन्नति होती है। आपके परिवार में विशेष रूप से पुत्र द्वारा आनंद और सामाजिक और आर्थिक विकास हो सकता है, अर्थात ऐसे समय में जो आपके पुत्र हैं या नाती जो भी है, पुत्र और नाती का जन्म हो सकता है या जो भी परिवार में आपके बच्चों की शादी हुई है वहाँ से खुशखबरी आपको मिल सकती है नए परिवार के रूप में, अर्थात नए जो भी कोई न कोई सदस्य आने वाले की वो खुशी के रूप में आपको आनंद मिल सकता है। यह अवसर है घर में शिशु के जन्म महोत्सव के रूप में या पुत्र प्राप्ति के रूप में या जो दोहित्र है या नाती है उसके जन्म के रूप में हो सकता है। और ऐसे ही समय में निरंतर शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होगी, हर कार्य में सफलता, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर या ये बोल सकते हैं प्रसन्नता बढ़ेगी, आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति ऊंची होगी, आपका स्टेटस इम्प्रूव होगा, जीवन स्तर में सुधार होगा। विवाहित जातकों को इस समय अपने जीवन साथी से बिना मतलब की बहसबाजी या मतभेद से बचना चाहिए और यूं भी अपने जीवन साथी से बहसबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि जीवन साथी ही जीतता है। जीवन साथी के साथ में होने वाली अनायास मतभेद आपके मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। आपकी रुचि इस गोचर काल में आर्थिक अनुष्ठान या ज्योतिष शास्त्र को जानने में हो सकती है और यदि यह आपकी ऐसी रुचि है तो आप जरूर संपर्क करें, ज्योतिष से संबंधित जो भी साहित्य होगा, जो भी पुस्तकें मैंने लिखी है ज्योतिष सीखने के लिए वो जरूर आपको उपलब्ध करवाई जा सकती है। नई नौकरी की प्राप्ति आपको हो सकती है। जो लोग नौकरी के लिए बहुत परेशान थे काफ़ी समय से इस मंदी के काल में, उन लोगों को नौकरी मिलने वाली है और जो नौकरी ऑलरेडी कर रहे हैं नौकरी पे से व्यक्तियों को प्रोग्रेस मिल सकती है। आपका हुनर, आपकी काबिलियत, ये सब कार्य क्षेत्र में सुधार लाएगी और आपकी बुद्धिमत्ता की वृद्धि होगी और उससे आपका प्रमोशन होगा, आपको गेन होगा, आपका स्टेटस इंप्रूवमेंट होगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जो भी आपके अधिकारी हैं, जो भी आपके जो ऊपर वाले हैं जिनके अंडर में आप काम करते हैं, वो भी आपकी वाहवाही करेंगे
और आपको सपोर्ट करेंगे, तो उनके सपोर्ट करने से आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होगा। जो लोग बिजनेस करते हैं वो व्यवसाय में बहुत उत्साह से अर्थात एनर्जी से, बहुत ही अच्छा आनंद, लंबी समस्याओं का समाधान और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी है उसको भी वो सॉल्व कर पाएंगे, और संपत्ति के लेन देन से भी धन का आगमन में वृद्धि होने के योग हैं। अतः जो भी प्रॉपर्टी का सेटलमेंट करेंगे, अतः कोई खरीद बेचान करेंगे, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त गेन होगा। कई रिसोर्सेज से धन में वृद्धि होने लगेगी और सट्टे में भी लाभ हो सकता है। अतः जो लोग शेयर में, जो लोग कमोडिटी में, स्पेकुलेशन में कुछ न कुछ एफर्ट करते रहते हैं, ये समय उनके लिए अच्छा है। यदि आपने जो सट्टा और जो कमोडिटी का काम बंद कर दिया है तो 11 सितंबर से 29 सितंबर तक वापस आपने स्टार्ट करके देखना चाहिए, गेन आपका ही होगा, मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए। जमकर शॉपिंग का आनंद आपको मिलेगा और साथ ही साथ तीर्थ यात्रा या व्यावसायिक यात्राएँ भी आपकी हो सकती हैं। आइए अब बात करते हैं इस कड़ी में आखिरी राशि मीन राशि। आपकी राशि से बुध का सेवंथ हाउस में होना नेगेटिव है, अशुभ है। आपका जीवन साथी, आपका व्यावसायिक साझेदार, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार या आपकी समाज में जो छवि है उसके बारे में सप्तम भाव के द्वारा ही पता चलता है, उसके द्वारा जाना जाता है। इस गोचर काल के दौरान आपको विशेष रूप से सावधान रहने की सलाह दे रहा हूँ। आपके साथ में इस दौरान कोई ऐसी घटना घट सकती है जो आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो, लिहाजा इस दौरान आपको बहुत ही चौकन्ना रहना है, बहुत ही प्रैक्टिकल होना है, इमीडिएट रिएक्शन से बचना है और ज़िंदगी में ना बोलने वाला आदमी बनना है। अर्थात कई बार हम कमिटमेंट कर देते हैं और फिर वो निभा नहीं पाते हैं, तो हम खुद अपने आप से फाइट करते हैं, अपने आप से शर्मिंदा होते हैं, वो नहीं करने के लिए प्रैक्टिकल हो जाइए। लगातार झगड़े, संबंधियों और फ्रेंड्स के साथ में गलतफहमी या अनबन, जो भी आपके नियर डियर रिलेटिव्स हैं उनसे भी कोई कोई बहस हो सकती है, विवाद हो सकता है, जो कि समस्या का तूल पकड़ना और उससे आपकी इंसल्ट हो सकती है, अर्थात आपको अपमान सहन करना पड़ सकता है। स्किन के रोग, साथ ही साथ और दूसरे रोगों से भी आपकी हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। स्ट्रेस में आपकी वृद्धि हो जाएगी या स्ट्रेस से बहुत परेशान रहेंगे, शरीर भी कमज़ोर सा और या ये बोल सकते हैं एनर्जी लेस, निस्तेज सा दिखाई देगा। धन की कमी, फाइनेंशियल स्ट्रेस, फाइनेंशियल ट्रबल, फाइनेंशियल क्रंच बोल सकते हैं उससे, और साथ ही साथ पारिवारिक अशांति से आप दुखी हो सकते हैं। एक पैसा एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सी चीज़ों को ढक देता है, और पैसे की कमी बहुत सी प्रॉब्लम्स को उभार देती है, उसमें से पारिवारिक अशांति भी एक ऐसी चीज़ है जो ही पैसे की कमी होती है पारिवारिक अशांति सामने आने लगती है। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ में आपका किसी बात को लेकर के वाद विवाद होना संभव है, लिहाजा वैवाहिक जीवन में सुख और शांति बनाए रखने के लिए आपको मिसेस रूप से, आपको इम्पोर्टेंट रूप से मतभेदों को किनारे रख करके प्रेम और सौहार्द की भावना बनाए रखनी है, अर्थात आपने लेट गो वाला एफर्ट रखना है। जहाँ तक हो कोई भी बात ऐसी हो जो आपको चुभती हो, तब भी आपने उस सिचुएशन को अवॉइड करना है, क्योंकि आप दोनों के बीच में संबंध यदि खराब होंगे उसका असर आपके पेरेंट्स पर, आपके बच्चों पर भी पड़ेगा और आपकी अपनी ज़िंदगी पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। प्रेम संबंध के लिहाज से यह गोचर काल आपके लिए विशेष फलदायी साबित नहीं हो सकता है, अर्थात आपने बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है, और जो लोग अपने पेरेंट्स से मिलाना चाहते हैं उन लोगों को मैं स्पष्ट रूप से मना करना चाहता हूँ। नौकरी पैसा जातकों को नए नए कार्यों में असफलता मिल सकती है, गवर्नमेंट की ओर से उनको कोई भय प्राप्त हो सकता है या उनका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल पेनल्टी लग सकती है, फाइनेंशियली उनके ऊपर बोझ आ सकता है। जो व्यक्ति व्यापार से जुड़े हैं उन्हें इस गोचर अवधि के दौरान लाभ में कमी अर्थात प्रॉफिट में कमी साथ ही साथ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, लॉसेज भी उठाने पड़ सकते हैं। यदि बिजनेस में कोई साझेदार है तो उस पर इस समय भरोसा करना आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा, और यों भी ठीक है, ऐसा मानना है, स्पेशली मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि आपने भरोसा करना है, उसमें हमेशा डिफाइन करना चाहिए कि भरोसा कितना करना है। आपने अपने घर में कोई सर्वेंट रखा है, यदि सर्वेंट 10 साल से है और उसके बाद में 11वें साल अगर वो कोई बहुत बड़ी घटना कर दे तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? इसलिए हमेशा जिस पर भी भरोसा करें बार बार उस भरोसे को चेक भी करें, अर्थात आपने सही किया है या गलत किया है, वो आदमी अब चेंज तो नहीं हो गया है, उसकी आवश्यकताएं चेंज तो नहीं हो सकती है, ऐसा आपने ध्यान रखना है। इसलिए विश्वास करने में हमेशा अपने आप को चेक करें। यात्रा
और व्यवसाय दोनों में लाभ नहीं होने वाला है। अर्थात जो भी ट्रैवलिंग है उसको भी आपने अवॉइड करना चाहिए, और जो बिजनेस है उसमें कोई नई डील करने वाला है, नया एग्रीमेंट करने वाला है, तो हो सकता है आपको उसको पोस्टपोन करना चाहिए। यात्राओं में नुकसान हो सकता है या बहुत अधिक परेशानियाँ आ सकती है, जैसा कि एटमॉस्फेयर है, बहुत सी जगह बाढ़ आई हुई है, बहुत सी गाड़ियाँ कैंसिल हो जाती है, बहुत सी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, बहुत बार बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है वापस घर तक पहुँचने में, ऐसा हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं हो तो यात्राओं को टालिएगा। मीन राशि जातकों के लिए गोचर की यह अवधि साधारण परिणाम देने वाली सिद्ध होगी। अब बात करते हैं उपायों की। तो मीन राशि वाले व्यक्ति अपने बुद्धि बल को बढ़ाने के लिए तथा फाइनेंशियल गेन के लिए जो पन्ना जड़ित, अर्थात आपने बुद्ध यंत्र और उसके साथ में पन्ना लगा करके वो लॉकेट आपने धारण करना है। अब बात करता हूँ बुद्ध के उपायों की, जो सभी राशि वाले हैं, अर्थात मेष से लगा कर मीन राशि वाले, जिन जिन लोगों के लिए बुद्ध के मैंने जो भविष्यवाणी की है वो नेगेटिव की है, उन लोगों को बुध के उपाय करने चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ बुध ग्रह की शांति के लिए उपाय। तो बुध के शुभ फल प्राप्त करने के लिए बुध का आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में होना जरूरी है। अगर बुध अच्छी स्थिति में नहीं है, स्ट्रांग सिचुएशन में नहीं है, तो बुध ग्रह की शांति के लिए बुधवार के लिए, अर्थात वेडनेसडे को, बुधवार के ही दिन बुध के नक्षत्र अर्थात आश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती नक्षत्र हो, और बुध की ही होरा में, अर्थात 24 घंटे में से बहुत से घंटे आते हैं जिसमें बुध की होरा कहा जाता है। और आपको स्पेशली मैं बता दूं कि बुध की होरा जब बुधवार होता है तो सबसे पहला घंटा आता है, फर्स्ट ओवर, बुध की होरा ही कहलाती है। होरा का मतलब हवर्स है। तो बुध ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं। यह दान सुबह या शाम के वक्त किया जा सकता है। बुध के बुरे प्रभावों से बचने के लिए बहुत से ज्योतिषी जातक को हरा पन्ना या चार मुखी रुद्राक्ष धारण करने और बुध यंत्र की स्थापना करने की सलाह देते हैं। जिनकी राशि में बुध अशुभ प्रभाव दे रहा है, वो गौशाला में या जहाँ पर भी गाय हो उसको हरा चारा खिलाएं, जो छोटी कन्याएं हैं उनको भोजन करवाएं, और साथ ही साथ अपनी खुद की कुंडली दिखा करके, जन्म कुंडली दिखा करके, एनालिसिस करा करके फिर पन्ना पहने। अर्थात ये आपने ध्यान रखना है कि कोई भी रत्न पहनना, रत्न अमृत भी है, जहर भी है, हो सकता है आपकी कुंडली में बुध नीच राशि का हो और साथ ही साथ 12th हाउस में हो, और यदि आपने यह पन्ना पहन लिया तो आप उसकी नेगेटिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो आपको लाभ की जगह हानि हो सकती है, आपको बीमारी हो सकती है, आपको मेंटली बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि इसके अलावा सबसे ज़्यादा बुध के लिए आपने गणपति की पूजा उपासना करनी है या विष्णु जी की पूजा उपासना करनी है। गणपति जी के लिए गणपति अथर्वशीष सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। विष्णु जी के लिए आपने पुरुष सूक्त का पाठ करना है या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना है। विष्णु सहस्रनाम बहुत बड़ा है संस्कृत में, इसलिए शायद आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन 16 मंत्र पुरुष सूक्त में वो जरूर आप आसानी से पढ़ भी पाएंगे, याद भी कर पाएंगे, और यदि नहीं हो सकता है सुनने का प्रयास तो जरूर करें। अष्टविनायक कवच धारण करें, बुध यंत्र और उसके साथ में उपरत्न लगा दें, अर्थात बुध का उपरत्न, पन्ने का उपरत्न ऑनेक्स होता है, वो लगा करके पहने। तो ये बोल सकता हूँ कि यदि पन्ना नहीं पहनेंगे या पन्ना आपके लिए हानिकारक है तब भी यह सिचुएशन नहीं आ पाएगी, हानि नहीं हो पाएगी, गेन ही होगा। वर्तमान समय में गणेश चतुर्थी का पर्व चल रहा है, अर्थात गणेश महोत्सव के समय काल में आप सभी व्यक्तियों को, आप सभी जातकों को, आप सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी बप्पा के आने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही साथ मैं दिल से चाहता हूं कि बप्पा आपके जीवन में सुख संपत्ति, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करने का साहस और आपको बुद्धि प्रदान करें। आपके जीवन में शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, यश, इन सब का गुणगान हो, अतः यह सब आपको प्राप्त हो। आपको हमारा ये कार्यक्रम, यह एपिसोड कैसा लगा, अपने विचार और सुझाव हमें अवश्य दें। और हमेशा की तरह मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारा ये प्रयास है आपकी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, आपने सिर्फ और सिर्फ हमारे सपोर्ट देने के लिए, हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ लाइक करना है, हमें कमेंट करना है, शेयर करना है, और हो सके तो सब्सक्राइब करना है। क्यों सब्सक्राइब करने से ऐसा होगा कि जब भी हमारा कोई नया एपिसोड आएगा आपको जानकारी मिल पाएगी और एक प्रकार से आप हमारे पारिवारिक सदस्य बन जाएंगे। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना, अपने बच्चों का, घर के बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, ये कुंडली है और इसमें लिखे नंबर साधारण नहीं बल्कि ग्रहों का एक माया जाल है। इस माया जाल में आपका वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल छिपा है, और साथ में छिपा है आपके जीवन के सुख दुख का रहस्य।
आपके जीवन में आई सभी समस्याओं के जिम्मेदार ये 9 ग्रह ही हैं। आपके दुखों और कष्टों का कारण और निवारण आपकी कुंडली में ही छिपा है। जरूरत है सिर्फ ऐसे विद्वान की जो इन 9 ग्रहों की भाषा को समझता हो। ऐसे विद्वानों की श्रेणी में विश्व तंत्र ज्योतिष के संपादक पंडित कमल श्रीमाली जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यदि आप भी किसी समस्या से परेशान हैं और पंडित कमल श्रीमाली जी से अपनी समस्या का कारण और निवारण जानना चाहते हैं, तो हम बता रहे हैं आपको सीधा और सरल रास्ता। भारत के इन शहरों में आप पंडित जी से मिलकर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप भारत के किसी अन्य शहर में रहते हैं, तो पंडित जी से मिलने का एक बहुत छोटा सा प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर को जानने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें।